नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, कल हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे उसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज 21st का जो मेन हाइलाइट्स है वो देख लेंगे। तो देखो, कल का क्वेश्चन था किसको अपॉइंट किया गया था एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेलारूस के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ संगीता बहादुर। गाइस, डेली क्विज में ये जो है थोड़ा देख के इसका आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में, सो दैट आपका रिविजन भी होता रहे और आप देख भी लो, थोड़ा सा लिख दो सो दैट हम लोग को मोटिवेशन भी मिले। यार आप लिखोगे, लाइक करोगे तब अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लेना दोस्तों, और सभी दोस्तों को शेयर करो। डेली हम लोग तीन चीज़ करते हैं, एक तो वोकैब डेली हम लोग 10 वर्ड्स सीखेंगे, करंट अफेयर्स का डेली शो होता है, और डेली रात 11 बजे हम लोग GS क्विज़ कर रहे हैं, GK क्विज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी LP कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का GDP फॉर 18-19 के लिए कितना प्रोजेक्ट किया था, 7.3, 7.4 या 7.5, क्या था, ठीक है। ज़रूर आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स पे। चलो आज का मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो देखो, आज जो हुआ, जनरल बिपिन रावत ने एक बुक लॉन्च किया परमवीर चक्र अवार्डीज के लिए, दैट इज़ परमवीर परवाने, ठीक है। ये एक्चुअली जितने भी ब्रेवरी हुआ था 1947 से 1965 में ये हुआ था, उनके बारे में लिखा गया है, और ये जो बुक ने लिखा है डॉक्टर प्रभा किरण जैन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, और पब्लिश किया है मेधा बुक्स, ठीक है। तो और ये भी याद रखना, सोमनाथ शर्मा जो है फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। 106 इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे होगा, भोपाल में, और थीम क्या है 2019 का, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन कर लिया हांगकांग के साथ। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ ऑर्गेनाइज थर्ड नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये इवेंट इनोग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नरेंद्र सिंह तोमर जी, और फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री एग्री किया है पार्टनर इन द इवेंट, इसके पार्टनर बनेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और अ पोर्टल ऑन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना, ये एक स्कीम है जो लॉन्च भी हुआ इसी ओकेशन में, और फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था जुलाई 2016 रायपुर में। तो सो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। उस यूएसए ने बैन कर दिया है वेनेजुएला का क्रिप्टो करेंसी पेट्रोको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोको बैन कर दिया गया है। फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे होने वाला है, अर्जेंटीना। सेकेंड मिनिट G20 फाइनेंस मिनिस्ट कहाँ पे होगा, दैट इज़ वाशिंगटन USA। वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी, अच्छा जगह है रहने के लिए, दैट इज़ वियना टॉप। बगदाद जो है सबसे वर्स्ट है, हैदराबाद एंड पुणे इंडिया का मोस्ट लिवेबल सिटीज़ है, 142nd प्लेस में है मार्सर ग्लोबल क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है लंदन में ऑफिस खोलने जा रही है अप्रैल 2018 से, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने के लिए। बीआर गवर्नर सत्यपाल मलिक को एडिशनल चार्ज मिला है उड़ीसा का, ठीक है, मतलब वो दोनों बिहार एंड उड़ीसा दोनों का गवर्नर बन जाएंगे। नंदा बहादुर पुन री इलेक्ट हो चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, सेकेंड टर्म अनपोस्ट। म्यांमार का प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर चुके हैं हितिन क्याओ, ठीक है, तो ये रिज़ाइन कर चुके हैं। तो गाइज ये था 11, ज़रूर पार्टिसिपेट करें कमेंट बॉक्स में, मेरा जो क्वेश्चन है आज का तो उससे आपका रिविजन हो जाता है, हम लोग का जो है मोटिवेशन भी मिलता है गाइज। तो डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स करो, आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो डेली करंट अफेयर्स करना है। आप जितने भी, मैं टॉप 1500 टॉप 50 दे देता हूँ, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स करने से यहाँ से GK भी आपका डे बाई डे हिस्ट्री भी स्ट्रांग होते जाए, मतलब आपका GS भी स्ट्रांग होते जाएगा, करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइज, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।